एक पहले वीडियो में मैंने गूगल की टीचेबल मशीन में आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझाया था कि ये गूगल की टीचेबल मशीन कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम एमब्लॉक की सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि स्क्रैच बेस्ड है, और हम स्क्रैच में गूगल की टीचेबल मशीन को यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये जो है, ये मेरा वेब कैम का जो इनपुट है वो है, और अगर मैं यहाँ पर ये गिटार की इमेज यहाँ लगा रहा हूँ तो जो हमारी गूगल, मैंने ऑलरेडी ये मशीन ट्रेन करी है, ये बता रही है कि ये गिटार है और ये 99% श्योर है कि ये गिटार है। फिर अगर मैं यहाँ पर ये हटा के यहाँ पर एक ये कीबोर्ड की इमेज लगाता हूँ तो जो हमारी मशीन है वो 99% श्योरिटी के साथ कह रही है कि ये कीबोर्ड है। और अगर मैं यहाँ पर एक ड्रम की इमेज लगाता हूँ तो जो हमारी एआई मशीन है वो कह रही है कि ये ड्रम है और ये 99% श्योर है कि ये ड्रम है। ये तो टीचेबल मशीन का पार्ट था। अब हम इस प्रोग्राम को हम अपने एमब्लॉक में स्क्रैच में इसको यूज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ अगर जब प्रोग्राम रन करता हूँ तो ये स्पेस बार जब मैं दबाऊँगा तो मशीन जो भी यहाँ पर रिकग्नाइज कर रही है उसकी इनपुट देगी और उसके बेसिस में जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा है वो ट्रिगर होगा। तो मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ। जब मशीन ड्रम को रिकग्नाइज करती है तो ड्रम बजता है। अब अगर मैं ये ड्रम की इमेज चेंज करके यहाँ पर कीबोर्ड की इमेज लगा रहा हूँ और मैं फिर ये प्रोग्राम दोबारा रन कर रहा हूँ, स्पेस बार प्रेस करने पे मशीन जो भी रिकग्नाइज कर रही है वो इनपुट प्रोग्राम को देगी और फिर वो जो है प्रोग्राम एक जो हमने लिखा है उसमें कीबोर्ड का एक छोटा सा म्यूज़िक लूप जो है वो ट्रिगर होता है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अब गिटार की इमेज जो है वो दिखा रहा हूँ और मैं प्रोग्राम दोबारा रन कर रहा हूँ तो स्पेस बार दबाने पे गिटार की जो इमेज है वो एक गिटार का लूप ट्रिगर करती है। यहाँ पर हम ये एआई यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो इमेज रिकग्निशन का प्रोग्राम है वो गूगल टीचेबल मशीन से चल रहा है, पर फिर हम वो इनपुट लेके उसके उस बेसिस में और प्रोग्राम लिख रहे हैं और चीज़ें ट्रिगर कर रहे हैं। तो हम ये प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। मैं एमब्लॉक की डेस्कटॉप ऐप पर हूँ और इस ऐप का ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। तो ये जो ये स्क्रैच बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पर इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसमें ये अगर हम डिवाइसेस की भी एक हमारे पास ऑप्शन होती है और अगर हम प्लस दबाएं तो जो ये एम ब्लॉक के बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं हम उनको ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग से, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग से कोड कर सकते हैं। पर इस वक्त हम कोई डिवाइस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मैं ये डिवाइस कैंसिल कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। हम सिंपल स्प्राइट्स यूज़ करेंगे जो हम स्क्रैच में यूज़ करते हैं। तो ये अब एग्जैक्टली स्क्रैच टाइप का इंटरफेस है और यहाँ जाके मैं एक्सटेंशन का ब्लॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये टीचेबल मशीन का एक्सटेंशन है जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप यहाँ पे प्लस ऐड का बटन होगा जो आप दबाओगे तो वो आपकी ये टीचेबल मशीन एम ब्लॉक में एज एन एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। तो ये अब मेरे पास TM या टीचेबल मशीन के ये ब्लॉक्स हैं और मैं जब ट्रेनिंग मॉडल खोल रहा हूँ तो ये अभी ये पिछली बार का यहाँ से ये पिक कर रहा है ट्रेनिंग मॉडल। पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बिल्ड अ न्यू मॉडल। तो मैं बिल्ड अ न्यू मॉडल में आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैटेगरीज डिसाइड कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ हमें केवल 3 कैटेगरीज चाहिए, मैं ओके कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो है ये मेरे वेबकैम की इनपुट है। तो जब मैं यहाँ पर एक इमेज रख रहा हूँ तो ये हमारे पास गिटार की इमेज है और बिल्कुल जैसे हमने गूगल टीचेबल मशीन में किया था, हम क्लास डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये गिटार है और फिर हम लर्न का बटन दबा के उसको होल्ड कर रहे हैं तो ये फ़ोटोग्राफ जो भी हमारा वेबकैम देख रहा है वो फ़ोटोग्राफ्स खींच रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूँ और फिर और फ़ोटोग्राफ्स खींच रहा हूँ ताकि बाद में अगर इनपुट में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा इधर उधर भी हो तो मशीन फिर भी उसे रिकग्नाइज कर लेगी। तो ये हमने अराउंड 60 सैम्पल्स हमने गिटार के ले लिए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट इमेज इनपुट कर रहा हूँ और वो है कीबोर्ड की। और ये जो इमेजेस है बेसिकली मैंने इनका एक प्रिंटआउट लेके उनको यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। तो मैं सेकेंड कैटेगरी यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कीबोर्ड,
और मैं फिर लर्न दबा के इसकी मल्टीपल इमेजेस ले रहा हूँ। उसके बाद मैं थर्ड जो कैटेगरी है उसमें ये ड्रम्स की इमेज ले रहा हूँ, और मैं थर्ड कैटेगरी को डिफाइन कर रहा हूँ ड्रम, और इसकी भी मैं मल्टीपल इमेजेस ले रहा हूँ थोड़ा एंगल बदल बदल के। तो जो हम मशीन लर्निंग बेस्ड एआई मशीन बनाना चाहते हैं उसमें हम यही तीन मॉडल इनपुट कर रहे हैं, और हमारी मशीन ट्रेन हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज बदल के कीबोर्ड की इमेज डाल रहा हूँ तो ये जो रिज़ल्ट है वो ठीक से आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कीबोर्ड है, और अगर मैं कीबोर्ड की इमेज हटा के यहाँ पर गिटार की इमेज लगा रहा हूँ तो हमारी मशीन जो है एआई मशीन है वो ठीक रिकग्नाइज कर रही है कि ये गिटार है। तो इस तरीके से हमने अपनी एआई मशीन को ट्रेन कर दिया है, और अब मैं कह रहा हूँ यूज़ दिस मॉडल। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टीचेबल मशीन है उसके ये एडिशनल हमारे पास ब्लॉक्स आ गए हैं, जिसमें से हम ये रिकग्निशन ब्लॉक जो है वो और ये रिकग्निशन रिज़ल्ट। तो ये रिकग्निशन रिज़ल्ट क्या है, ये एक वेरिएबल है, तो जो भी रिकग्निशन रिज़ल्ट होगा वो इस वेरिएबल में होगा और उसकी फिर हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे, हम कह रहे हैं कि व्हेन स्पेस बार इज़ क्लिक्ड, हम यूज़र को कुछ प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं कि वो कुछ यूज़र कुछ करे ताकि जो हमारी ये एआई मशीन है ये ट्रिगर हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ सेंसिंग में जाके कह रहा हूँ कि व्हेन की स्पेस इज़ प्रेस्ड, और मैं कंट्रोल में जाके कह रहा हूँ कि वेट अनटिल। तो जब हम ग्रीन फ्लैग दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम वेट करेगा जब तक कि की स्पेस प्रेस नहीं होता, और इसके लिए हमारे को ऑफकोर्स यूज़र को पहले बताना पड़ेगा कि यूज़र को की स्पेस प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे ये से का ब्लॉक लाके यहाँ कह रहा हूँ कि प्रेस स्पेस बार टू ट्रिगर कैमरा, ताकि यूज़र को पता हो कि उसको क्या करना है। तो प्रेस स्पेस बार टू ट्रिगर कैमरा और वेट अंटिल की स्पेस इज प्रेस्ड। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं कि क्या इमेज आई, तो मैं एक इफ़ देन का ब्लॉक ला रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इफ़ रिकग्निशन रिज़ल्ट, इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इफ़ रिकग्निशन रिज़ल्ट इज़, और हमारे पास यहाँ पे ये तीन है गिटार कीबोर्ड या ड्रम, तो हम कह रहे हैं इफ़ इट इज़ अ गिटार तो हम एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर जाके फिर मैं इवेंट्स में जाके यहाँ कह रहा हूँ ब्रॉडकास्ट मैसेज वन। अब हम क्या चाहते हैं कि जब रिकग्निशन रिज़ल्ट गिटार है और ये मैसेज ब्रॉडकास्ट वन हो, तो कोई एक हम स्प्राइट चाहते हैं जो कि गिटार टाइप की स्प्राइट हो, और वहाँ उस पर हम म्यूज़िक का लूप एम्बेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाके प्लस करके स्प्राइट नहीं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ म्यूज़िक में जाके, आपको जो भी यहाँ पे गिटार पसंद आता है वो गिटार ले सकते हो। तो मैं लेट्स से गिटार फोर ये ले रहा हूँ, ओके। तो ये गिटार फोर है, मैं इमेज इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, और हम इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 200 साइज़ है इसका, और हम इसकी डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, तो ये ऐसे कुछ आएगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन में। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्हेन आई रिसीव मैसेज वन, ये गिटार को कोई म्यूज़िक बजाना है। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ साउंड्स में जाके ऐड साउंड क्लिक करके, और यहाँ पर हम लूप्स या जो भी आप साउंड चाहते हो उस तरीके की साउंड हम यहाँ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई गिटार की साउंड ढूंढ रहा हूँ, तो लेट्स से गिटार, तो ये गिटार कॉर्ड्स हैं, तो ये एक ऑप्शन है, ये एक और ऑप्शन है, और ये थर्ड ऑप्शन है। तो मैं गिटार कॉर्ड्स वन ले रहा हूँ, और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ साउंड में जाके कह रहा हूँ कि व्हेन आई रिसीव मैसेज वन प्ले साउंड गिटार कॉर्ड्स वन अनटिल डन। तो जो हमने अभी तक प्रोग्राम लिखा है हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो प्रेस स्पेस बार मैंने प्रेस करी तो मेरा वेबकैम ऑन हो गया, और मैं यहाँ गिटार की इमेज जो है वो इनपुट हो रही है, तो हमारा गिटार बज रहा है। मैं अगर यहाँ पर कीबोर्ड की इमेज जो है वो इनपुट करता हूँ,
और उसके बाद मैं इसको दोबारा प्रोग्राम को चलाता हूँ, ग्रीन फ्लैग में दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, तो प्रेस स्पेस बार, स्पेस बार मैंने प्रेस करी तो इस बार कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी इनपुट है, जो टीचेबल मशीन से इनपुट मिल रही है, वो कह रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कीबोर्ड है, और हमने अभी तक यहाँ पर कोई जो केवल एक ही प्रोग्राम लिखा है जो केवल ये कहता है कि अगर गिटार है तो क्या होगा, तो क्योंकि इनपुट जो है वो कीबोर्ड है इसलिए नहीं चल रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए एक बार और दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं गिटार की इमेज इनपुट करके प्रोग्राम दोबारा रन करता हूँ तो वो फिर कहता है प्रेस द कैमरा, प्रेस द स्पेस बार टू ट्रिगर, मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे गिटार रिकग्नाइज हुआ, यहाँ पे गिटार रिकग्नाइज हुआ, तो हमारा जो कोड था वो ट्रिगर हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें यही चीज़ बाकियों के लिए भी लिखनी है, तो मैं यहाँ डुप्लीकेट करके कह रहा हूँ कि अगर जो हमारा इमेज रिकग्निशन का हमें गूगल टीचेबल मशीन से इनपुट मिल रहा है, अगर वो कीबोर्ड है, तो फिर मैं एक नया मैसेज यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो मैसेज टू जिसका मैं नाम दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक स्प्राइट ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम कीबोर्ड जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो मैं एक नई स्प्राइट ऐड कर रहा हूँ और मैं यहाँ कीबोर्ड ढूंढ रहा हूँ। तो ये कीबोर्ड्स हैं, लेट्स से मैं ये कीबोर्ड यूज़ करता हूँ और इसका भी मैं साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम जो हमारा एक और हमारे को इफ़ कंडीशन चेक करनी है कि अगर जो इनपुट है, तो हमने गिटार और कीबोर्ड चेक कर लिया है, तो अब हम कह रहे हैं कि अगर ड्रम है तो हम एक नया मैसेज यहाँ डालना चाहते हैं, हम कह रहे हैं मैसेज थ्री, और ये जो है हम फिर एक ड्रम्स की स्प्राइट ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ ड्रम, या ये ड्रम स्नेयर यूज़ कर लेते हैं, तो हम ये ड्रम्स यूज़ कर रहे हैं, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, तो ये हमारा ड्रम किट भी है यहाँ पर। तो अब हमारे पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, और अगर मैं गिटार यहाँ था व्हेन आई रिसीव मैसेज वन, तो गिटार की कॉर्ड प्ले करना, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पर, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इफ़ व्हेन आई रिसीव मैसेज टू, और हम यहाँ पर अब गिटार की साउंड प्ले करना चाहते हैं, तो मैं साउंड्स में जाके, ऐड साउंड में जाके, मैं लूप में जाके कोई लूप ढूंढ रहा हूँ, देखिए टेक्नो वन म्यूज़िक ठीक है, तो मैं कीबोर्ड में टेक्नो वन म्यूज़िक डाल रहा हूँ, और इसमें मैं यहाँ कह रहा हूँ कि व्हेन आई रिसीव टू प्ले टेक्नो, और फाइनली मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ड्रम्स पर, और ड्रम्स पे जाके मैं कह रहा हूँ कि व्हेन आई रिसीव मैसेज थ्री, और मैसेज थ्री मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि अगर ड्रम रिकग्नाइज होगा तो मैसेज थ्री ब्रॉडकास्ट होगा, तो मैं ड्रम्स में जाके कह रहा हूँ कि अगर रिकग्निशन वहाँ पर हुआ कि ड्रम था तो मैसेज थ्री वहाँ से ब्रॉडकास्ट हुआ, तो हम इस स्प्राइट पे आके कह रहे हैं कि व्हेन आई रिसीव मैसेज थ्री, और यहाँ पर अब हम कोई ड्रम्स का म्यूज़िक डाल सकते हैं, तो फिर से मैं साउंड्स में जाके, सो मे बी दिस ड्रम मशीन इज़ फाइन, तो मैंने ड्रम मशीन को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाके कह रहा हूँ कि प्ले द ड्रम मशीन। अब हम अपना प्रोग्राम एक बार और टेस्ट कर सकते हैं, तो मैं ग्रीन बटन दबा रहा हूँ, प्रेस द स्पेस, प्रेस स्पेस बार, तो ये रिकग्निशन विंडो खुल गई, और यहाँ गिटार था तो हमारा गिटार बज गया। अब मैं यहाँ से गिटार हटा के कीबोर्ड की इमेज यहाँ दे रहा हूँ, और फिर मैं दोबारा प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, प्रेस स्पेस बार, तो हमारा कीबोर्ड का जो साउंड है वो प्ले हो गया, और मैं जो हमारा लास्ट था वो था ड्रम, तो मैं यहाँ अपने वेबकैम में इमेज जो है इनपुट कर रहा हूँ ड्रम की, और मैं फिर ये दोबारा प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो हमारा जो ड्रम्स थे वो बज गए। तो जो हमारा इसेंशियल प्रोग्राम था वो एकदम, जो AI बेस्ड मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोग्राम है वो एकदम ठीक चलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ इनपुट कर रहा हूँ, जो तीन इमेजेस में हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया है, तो वो ठीक चल रहा है कि ये ड्रम्स हैं, तो वो 99% श्योरिटी के साथ मशीन कह रही है कि वो ड्रम्स हैं, और उसके आगे तो जो है वो हमने प्रोग्रामिंग नॉर्मल स्क्रैच की है,
तो अब ऑफकोर्स आप इस प्रोग्राम को और इम्प्रूव कर सकते हो। तो थोड़ा इंटरफेस बेटर करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जब कोई भी चीज़ रिकग्नाइज हो तो हमारा जो पैंडा की स्प्राइट है वो हाइड हो जाए और जो भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा है केवल वही दिखाई दे, और फिर हम उसमें मे बी थोड़े स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पे जाके हर जगह शो और हाइड डाल रहा हूँ, और गिटार में जाके हम क्या कह रहे हैं कि जब ग्रीन फ्लैग प्रेस हो तो ये स्प्राइट को हाइड कर देना, और केवल जब ठीक वाला मैसेज जो मैसेज वन है इस कॉन्टेक्स्ट में वो हो तो शो करना। यही सेम चीज़ मैं कीबोर्ड पे भी कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब मैसेज रिसीव हो तो शो करना, पर अदरवाइज जो है वो जब ग्रीन फ्लैग प्रेस्ड हो तो हाइड करना। और मैं इसी को ड्रम्स में कॉपी कर रहा हूँ। तो ड्रम्स में हम कह रहे हैं कि जब ग्रीन फ्लैग प्रेस्ड हो तो हाइड करना, और जब मैसेज थ्री रिसीव हो तो शो करना। तो अब अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ तो हमारा ये इंटरफेस क्लीन हो गया है, और अब अगर हम स्पेस बार दबा रहे हैं तो हमारा कीबोर्ड चल रहा है और बाकी जो स्प्राइट्स हैं वो अपने आप हाइड हो जा रही हैं। यहाँ पे जो पैंडा था वो हाइड हो गया है, तो पैंडा को हमारे को एक बार शुरू में फिर से शो करना पड़ेगा कि जब प्रोग्राम शुरू हो तो पैंडा शो हो जाए। तो अगर अब मैं फिर से ये चला रहा हूँ स्पेस बार, तो ड्रम्स रिकग्नाइज हुए, तो ड्रम्स बज रहे हैं। एंड एक फाइनल चीज़ हम अगेन जस्ट फॉर द यूआई पार्ट हम कर सकते हैं कि हम जो हमारे ये कीबोर्ड गिटार वगैरह हैं इनमें कोई हम थोड़े से स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं कि जब ये प्ले हो तो अच्छा लगे। तो हम ये गिटार का जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो मैं ये दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्पेस बार प्रेस करने पे हमारी रिकग्निशन विंडो ट्रिगर हो गई, और अब इस किस्म का थोड़ा सा एनिमेटेड इफ़ेक्ट आ गया है। ऑफ़ कोर्स आप एनिमेटेड इफ़ेक्ट कितना बदलना चाहते हो ये आप बदल सकते हो अपने हिसाब से। तो ये जो हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पे डाली हैं, ये हम चाहते हैं कि यही चीज़ कीबोर्ड पे भी चले, और यही जो ग्राफिकल इफ़ेक्ट्स हैं ये हमारे ड्रम्स पे भी चलें। तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या हो गई हैं कि जब यहाँ पर मैसेज टू चलेगा तब भी इस किस्म के स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कीबोर्ड पे चलेंगे, और जब मैं ड्रम्स पे जा रहा हूँ तो मैंने ड्रम्स पे भी यही कहा है कि जब हमारे को मैसेज थ्री मिलेगा तब भी यही वाले स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो चलेंगे। तो अब हम फाइनली अपने प्रोग्राम को एक लास्ट टाइम टेस्ट कर सकते हैं। तो प्रेस स्पेस बार टू ट्रिगर द कैमरा, तो ये हमारा ड्रम्स जो हैं ये ठीक चल रहे हैं। मैं यहाँ पर इमेज बदल रहा हूँ, गिटार की यहाँ पे इमेज इनपुट कर रहा हूँ, और प्रोग्राम दोबारा रन कर रहा हूँ, और स्पेस बार से रिकग्निशन, और अब हमारा गिटार चल रहा है। एंड फाइनली मैं कीबोर्ड की इमेज इनपुट कर रहा हूँ, और जो प्रोग्राम है ये दोबारा रन कर रहा हूँ स्पेस बार। तो आई होप आपको ये जो प्रोग्राम हमने लिखा वो पसंद आया। इसमें हम गूगल की टीचेबल मशीन की एप्लीकेशन को समझ रहे हैं कि गूगल की टीचेबल मशीन से हम एक मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल हमने बनाया, फिर उस मॉडल को हमने यूज़ किया अपने प्रोग्राम में कि बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट क्रिएटेड बाय दिस एआई बेस्ड इमेज रिकग्निशन सिस्टम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ट्रिगर हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स अब इसके आगे ये आपकी इमेजिनेशन है। हमने यहाँ पे कहा कि अगर गिटार है तो गिटार की स्प्राइट चलेगी, पर अगर आप चाहो तो आप एक गेम बना सकते हो कि मैं यहाँ पे जो इनपुट कर रहा हूँ कैमरा में मैं उसको टर्न लेफ़्ट टर्न राइट इस तरीके की चीज़ें कह सकता हूँ, यू नो एक इमेज दिखा के एरो दिखा सकता हूँ कि एरो राइट का था या एरो लेफ़्ट का था, और उसके हिसाब से मैं
जैसे कोई कार या कुछ है वो बना सकता हूँ। तो फिर हमारे पास एक एआई बेस्ड गाड़ी होगी जो कि रन कर रही होगी बेस्ड ऑन जो भी इमेज वो रिकग्नाइज करेगी।